कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि पांच राज्यों के चुनाव 2019 की लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इन पांचों राज्यों के नतीजे कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के एक दिवसीय सम्मेलन में भाजपा पर तीखा हमला करते हुए पाटिल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को जुमलों से ठगा है। मोदी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि नोटबंदी और राइफल खरीद घोटाला है। नोटबंदी आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने काला धन को सफेद करने के लिए नोटबंदी की और नेताओं ने रातों रात काले धन को सफेद किया। भाजपा ने देश और प्रदेश में काले धन से कार्यालयों के लिए जमीनें खरीदी जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं राफेल विमान खरीद घोटाले में भाजपा नित केंद्र सरकार बुरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। पीएम मोदी ने हिमाचल के साथ जितने भी वायदे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। भाजपा राम मंदिर के नाम पर भी जन भावनाओं के साथ वर्षों से खिलवाड़ करती आ रही है। चुनावों के समय में भाजपा को राम मंदिर याद आता है। पाटिल ने कहा कि जनता भाजपा का असली चेहरा पहचान चुकी है। रजनी पाटिल ने कहा कि 2019 में भाजपा चारों खाने चित होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से लक्ष्य 2019 तय नारा दिया है कि बदलाव हम लाकर ही रहेंगे। उसी कड़ी में हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पिछले चुनावों में पार्टी के स्तर पर क्या कमियां रही हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाना चाहिए और किसे लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, इन सब की रिपोर्ट हाईकमान को समक्ष रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि टिकट देना हाईकमान और चुनाव समिति का काम है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर जीत दर्ज करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव राहुल गांधी का चुनाव है जिससे हर नेता राहुल के लिए काम करे। देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल अच्छा है, वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार के एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों में भ्रष्टाचार, अपराध और उत्पीड़न शुमार है। रजनी पाटिल ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है और मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। गृह से एक साल से वो लड़ रहे हैं, मैं खुद है, मैं 6 महीने से देख रही हूँ। मुकेश जी हर चीज पे सीएम के साथ सीधा झगड़ा मोड़ ले रहे हैं और उसके उनको परेशानी भी हो रही है। लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं, उनको भी परेशानी हो रही है लेकिन हम डरने वाले नहीं है। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और जो यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और वहाँ पे मोदी जी, इन दोनों ने जिस तरह से इस देश को और इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, चाहे वो नोटाबंदी का काम हो, चाहे वो जीएसटी का उन्होंने डिसीजन जो लिया है, जो देश के इंस्टीट्यूशन है बहुत बड़ी बड़ी, सीबीआई का हमने बीच में प्रदर्शन किया था, सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन पे भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। अभी आरबीआई के पीछे लगे हैं। आज ही आरबीआई की मीटिंग हुई, आपने अगर देखा होगा ट्विटर पे, तो आरबीआई ने मीटिंग कर मिनिस्टर भी अगर डिस्क्लोज किए तो इसके लिए भी मुझे लगता है राफेल का इश्यू है वो इसी बीच द बर्निंग इश्यू इन द कंट्री। क्योंकि राफेल के इश्यू के बाद अगर कोई कुछ बोलना चाहे, मुझे ऐसा लगता है कि जिन पत्रकारों ने भ्रष्टाचार 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 करके कांग्रेस को प्रताड़ित करने की कोशिश की लास्ट टाइम और उसमें गेम चेंज हो गया था, वो अभी आपका ये काम नहीं है कि आप चौथा स्तंभ है इस देश के, तो आपका भी ये काम है कि राफेल के इसके इश्यू के ऊपर जो सामने सीधे फैक्ट्स आ रहे हैं उसको हम उजागर करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन बल घाटी के मंडियाल गांव में किया गया है जिसकी अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिग्गज कांग्रेसियों ने अपनी अपनी राय रखी। सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की गैर मौजूदगी में भी उनके नाम की चर्चा रही। कई वक्ताओं ने अपने संबोधन में उनके नाम की चर्चा की जबकि कुछ दिग्गज नेताओं को उनके सामने ही कार्यकर्ताओं ने खरी खरी सुनाई। प्रवक्ताओं के निशाने पर पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता कौल सिंह ठाकुर निशाने पर रहे। कार्यकर्ताओं को मलाल था कि सत्ता में होते हुए वे कार्यकर्ताओं के अनदेखी करते रहे। यही नहीं, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने भी कार्यकर्ताओं का पक्ष लेते हुए पार्टी अध्यक्ष को खरी खरी सुनाई। वहीं पर उनको विश्वास में लिए बिना की जा रही नियुक्तियों पर भी ऐतराज जताया। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चाहे जितने मर्जी वो केसेस बना दे, चाहे जितने मर्जी ड्रा ले, चार सीट कांग्रेस पार्टी की आएगी, हम सब लोग मिलकर एकजुटता से लड़ेंगे। और मैडम रजनी पाटिल जी ने दिशा निर्देश दिया कि कांग्रेस इनके खिलाफ चार सीट लाओ, हम लाएंगे और इनको जो भी आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूरी चुनौतियों का जवाब देंगे।